तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के शुरू में आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो यहाँ पर कई सारी योजनाएं हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट्स निकल के आई है, तो इस शुरू में आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको देख सकते हैं भूमिहीन मजदूर का जो वादा किया था, जो 24-25 में जो बजट रखा गया था, 2024 में जो बजट रखा गया, जैसे कि आपको पता है अक्टूबर माह है, फिर नवंबर दिसंबर को या 2 महीने बचे, तो क्या इसका किस्त रिलीज हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो बजट पेश किया है वो 500 करोड़ रुपये किया। और साथ ही मातारी वंदन योजना की 9वीं किस्त रिलेटेड यहाँ पर कई सारी न्यूज़ आ रही है कि इसमें जो है बढ़ सकता है, क्योंकि दीपावली और धनतेरस भाई जैसे बहुत बड़े बड़े त्यौहार हैं। और साथ ही बेरोजगार भत्ता, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या फिर एक बार योजना है बेरोजगारी के लिए 2024 में जो है इसको यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, उसमें आपको बताएंगे। और छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर जो अपडेट्स यहाँ पर निकल गए, तारीख निकल के आई है, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कौन से जिले हैं हमें कमेंट में बिल्कुल बताइए। तो दोस्तों, विष्णु देसाई ने अपने ऑफिशियली जो टेलीग्राम में उसने यहाँ पर ट्वीट करते हुए भी यहाँ पर देख रहे, विष्णु देसाई माननीय जो मुख्यमंत्री किसरी मजदूर जो भूमि है दीनदयाल उपाध्याय कृषि न्याय योजना के अंतर्गत यहाँ पर दिख सकते हैं इसकी शुरुआत की है, जिसके यहाँ पर भूमि इन भाइयों को 10,000 रुपये की जो है वार्षिक, यानी कि सालाना 10,000 रुपये की जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको जहाँ पर किसानों को देने के लिए इसमें 500 करोड़ रुपए की जो बजट भी प्रावधान किया गया है, रखा गया है 2024 के अंतर्गत दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर 500 करोड़ रुपए की जो बजट रखा गया है, इसमें देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत यहाँ पर 500 करोड़ रुपये का जो बजट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें यहाँ पर 2 ही मंथ बचा इस साल का, क्या यहाँ पर 50,000 रुपये की 2 किस्तें देखने को मिल सकता है बताते वाले। तो 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान करने वाली इस योजना के यहाँ पर अंतर्गत दोस्तों माध्यम से, इस योजना के माध्यम से जो दीनदयाल योजना का कांग्रेस सरकार का पर राजीव गांधी जो योजना का नाम था, जिसमें बीजेपी की सरकार दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का जो है संचालन किया जा रहा है साथियों। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषिहीन मजदूर हमारे भाइयों हैं जो भी यहाँ पर है, उनको यहाँ पर जिस छत्तीसगढ़ जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषिहीन मजदूर योजना, जिसका नाम इसका योजना का नाम देख सकते हैं, तो योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर देने की वादा किया है बीजेपी की सरकार ने दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, जिसमें पर जो 2024 के अंतर्गत जो बजट भी है वो भी यहाँ पर पेश कर दिया गया है। 500 करोड़ रुपये की जो बजट रखा गया है इस योजना के अंतर्गत, सभी हमारे भूमिहीन भाइयों को देने के लिए 500 करोड़ रुपये की जो बजट रखा गया है, जिसमें अभी 2 ही महीना बचा है। तो अभी तक बताते चले 2 किस्त में क्या आपको मिल सकता है, नवंबर और दिसंबर में 2 किस्त 5,000 रुपये में, तो बताते हैं आपको अपडेट आगे, आपको बने रहने वीडियो में। तो प्रतिष्ठित योजना में जो है अपना जीवन अपन कर सकें, आर्थिक स्थिति को सुधार सके, इस योजना के माध्यम से सरकार यहां पर डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा कि डबल इंजन सरकार सीएम और यहां पर केंद्र सरकार दोनों इस योजना का लाभ दे रहे हैं 2,000 रुपये के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ में इसी तरह से इसको भी शुरू किया गया है, जिसमें यहां पर केवल भूमिहीन को मिलेगा दोस्तों, पहले ही आपको बता दें, भूमिहीन जिसके पास भूमिहीन नहीं है, जिसके लिए कुछ यहां पर कैटेगरी यहां पर क्राइटेरिया यानी कि पात्रता आपको पूर्ण करना होगा। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के आपको मूल निवासी होना चाहिए, आपको यहां पर आपके पास कृषि नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपको तीसरा पॉइंट में देखो, आपके पास आपका जो उम्र है 18 वर्ष से प्लस होना चाहिए, आप मजदूर हो, महिला हो, कोई भी आवेदन कर सकते हैं साथियों। पता चले इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हालांकि इसको एक घोषणा कर दिया, हो सकता है आपको 2 किस्तों के माध्यम से मिल जाए, नवंबर और दिसंबर में 5-5 किस्त आपको मिल जाए। इसके लिए आपको अपडेट के लिए आपको यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, जैसे ही सरकार इसको लेकर कोई नया अपडेट लेकर आता है तो सबसे पहले आपको बताएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आया है, इसको सरकार ने कहा था कि 2 किस्तों के माध्यम से यहाँ पर अभी यहाँ पर 10,000 रुपये सालाना देंगे हमारे भूमिहीन जो भाई, उनके लिए अभी के आवेदन को यहाँ पर नहीं भरा है, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो अभी पर दूसरी योजना के आप पढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता को लेकर कई सारे अभी मन में सवाल हैं कि क्या बीजेपी की सरकार जो है बेरोजगारी भत्ता फिर से शुरू करेगा या फिर इसका जो है बंद हो चुका है परमानेंट, तो इसका आपको जवाब देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं के लिए नई योजना शुरुआत की है दोस्तों, जिसके तहत आपको बताएंगे यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आए, इसको मान के चले कि इसका जो है बंद हो चुका है 100% बीजेपी की सरकार इसको बंद कर दिया है, इसका जो साइड भी ओपन नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकार युवाओं को यहाँ पर लोन उद्योग क्रांति योजना के अंतर्गत लोन देगी, आप 1 लाख लेते हो तो आपको 50,000 रुपये ही वापस करना होगा, और यहाँ पर आपको लोन भी ब्याज भी नहीं देना चाहिए। अब धान खरीदी को लेकर जो अपडेट निकाल के आई है, 15 नवंबर को इस बार लेट 15 दिन लेट खुलेगा, पहले आपको बताते चले 1,60,000
टन यहाँ पर देखते हैं, 1,60,000 यहाँ पर मेट्रिक टन यहाँ पर धान खरीदने की 2024-25 में तुलना है। लेकिन इसको पहले आपको बता चले 2023-25 में तुलना में लगभग 16 लाख मेट्रिक टन तो ज़्यादा रखा गया है 2024-25 में। दोस्तों आपको बता चले 15 दिन बाद इसका धान खरीदी हो गई। इसके लिए आपको किसानों के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर दुखद खबर भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन क्योंकि कई सारे किसान हैं जिनका धान जो कटाई भी हो चुका है, जो माया धान होते हैं वो धान दोस्तों। तो अब यहाँ पर 3100 रुपये मूल्य आपको पिछले साल की तरह आपको देखने को मिलेगा। सरकार यहाँ पर 3100 रुपये पर समर्थक मूल्य भी इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। प्रति क्विंटल 3100 रुपये आपको भाव दिया जाएगा, जिसमें प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ आपको 15 नवंबर को यहाँ पर धान खरीदने देखने को मिल सकता है। हालांकि अब अलग का जो है अंतिम बैठक यहाँ पर जारी अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। तो आपको पता चले इसका जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल यहाँ पर प्रति एकड़ धान खरीदने की जो बात कही है, अभी तक धान खरीदने को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। पहले से आपको बता दें जिसमें 30,000 यहाँ पर देखते हैं गठन यहाँ पर बारदाने की खरीदी की जाएगी, आपको पहले ही बता दें। तो इसका जो है अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा आपको बता दें चलिए, इसका जो अंतिम निर्णय है वो मंत्रिमंडल के उप समिति यानी कि इसका बैठक लगाया जाएगा अंतिम निर्णय। खाद्य मंत्री ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के यहाँ पर बैठक अभी बाकी है, उसका जो धान खरीदी को लेकर अंतिम निर्णय वहीं पर लिया जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही अंतिम निर्णय दिया जाता है चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अंतिम निर्णय में क्या बात हुई है, क्या अपडेट निकला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला बढ़ते हैं, क्या मातृत्व वंदन योजना का जो 9वीं किस्त बढ़ सकता है या फिर क्या 1 तारीख को जारी होगा इसका किस्त, इसमें आपको बताते चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मातृत्व वंदन योजना के लिए कई लोगों का सवाल है, कई सारे यूट्यूबर है जो बता रहे हैं कि जिसका जो राशि बढ़ेगा, हम आपको बता दें इसका राशि नहीं बढ़ने वाला। अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई भी अपडेट्स नहीं निकाला है दोस्तों। पहले आपको बता दें इसका जो है अपडेट्स नहीं निकला है कि इसमें राशि को बढ़ोतरी किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बढ़ोतरी किया है, सभी महिलाओं को 1,000 दिया जाता, लेकिन अब यहाँ पर 1,250 रुपये दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको बढ़ाने की अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं निकाला है। आपको पहले बता दें मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार मातृत्व वंदन योजना आपको 1,000 रुपये ही आपको देखने को मिलेगा। हम आपको पहले ही क्लियर कर दें दोस्तों। अब यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक आपको देखें 1 तारीख को ही आपको सरकार कुछ महीनों से लगातार 1 तारीख के अंतर्गत 1 से 5 तारीख के अंतर्गत ही किस्त जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर इस जो 9वीं किस्त है वो भी आपको नवंबर में हो सकता है, आपको 1 ही नवंबर को आपको किस्त देखने को मिल जाए दोस्तों। तो आपको 1 नवंबर को आपको किस्त देखने को मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप कौन से जिले हो, जिले से हो कमेंट करके बताइए बिल्कुल, तभी आपको नए योजना का हम यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट योजना के साथ, अपडेट के साथ दोस्तों।